उसके बाद जब आपका सेंटर अप्रूव हो जाए, आपकी लॉगिन डिटेल्स जो हैं वो आपको मिल जाएं, तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर यूज़र नेम फिलअप करना है, यहाँ पर पासवर्ड फिलअप करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पोर्टल के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज दी हुई हैं आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो बैंकिंग के सर्विसेज हों, गवर्नमेंट सर्विसेज हों, पैन, टैक्स, इंश्योरेंस, बिल पेमेंट, ई लर्निंग, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म एंड ट्रेवल, सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर किसी भी सर्विस पर क्लिक करके आप उस पर काम कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइड करने का जो भी कमीशन होगा वो आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर डैशबोर्ड पर आपको दो वॉलेट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको रिचार्ज करना होता है किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए। आपके सेंटर पर अगर गवर्नमेंट की ई डिस्ट्रिक्ट की जो सर्विसेज हैं वो इनेबल होंगी, यानी कि आपके स्टेट में सहज के पास ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज होंगी, तो आपके डैशबोर्ड पर दो वॉलेट होगा, नहीं तो एक ही वॉलेट होगा। इसे देखने के लिए यहाँ पर आप गवर्नमेंट सर्विसेज के सेक्शन में सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो अगर आपके स्टेट में ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होंगी तो यहाँ पर NIC ई डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे स्टेट में अवेलेबल है, तो यहाँ पर शो हो रहा है। इस पर क्लिक करके आप ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसका भी जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो भी सहज की तरफ से 10 से 12 दिनों के अंदर आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर राशन कार्ड जैसी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप बैंकिंग में फाइनेंशियल सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सहज APS या फिर माइक्रो ATM जैसे सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपने शॉप पर माइक्रो ATM भी लगा सकते हैं, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप बायोमेट्रिक डिवाइस परचेज करके आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू पेमेंट विड्रॉल जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ आप ट्रेवल एंड टूरिज्म के सेक्शन में देखेंगे तो आपको अगर ट्रेन टिकट बुक करना हो, बस टिकट बुक करना हो, एयरलाइंस टिकट बुक करना हो, ये सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ सहज की मदद से आप IRCTC की एजेंट ID भी ले सकते हैं। इसी के साथ आपने सहज पोर्टल पर जो भी सर्विसेज एक्सेस करी हैं, जो भी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करी हैं, उसका कमीशन अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ माय बिजनेस के सेक्शन में VLE लेजर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि आपने जो भी सर्विसेज एक्सेस करी हैं, लोगों को प्रोवाइड करी हैं, उस पर आपको कितना कमीशन मिला है। इसी के साथ माय बिजनेस के सेक्शन में मैनुअल कैश रिचार्ज का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके आप अपना वॉलेट रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज करते टाइम आपको वॉलेट टाइप का ऑप्शन दिखेगा, तो अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं तो आपको दो वॉलेट का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, एक नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज का और एक गवर्नमेंट सर्विसेज का। दोनों सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपको दोनों ही वॉलेट को अलग अलग रिचार्ज करना पड़ेगा। यहाँ सर्विस के सेक्शन में आपको पेमेंट मोड मिलेगा, जिस भी मोड से आप रिचार्ज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप रिचार्ज कर सकते हैं, और रिचार्ज करने के बाद आप उस टाइप के सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर ये कस्टमर केयर नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको अपना स्टेटस जानना है या फिर सहज के बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप सहज जनसेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सहज जनसेवा केंद्र के बारे में जान पाएं, इसके लिए रजिस्टर कर पाएं और अर्निंग कर पाएं। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएं। थैंक यू।